नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ Mentor में। दोस्तों, करंट का सेशन हमने स्टार्ट कर दिया है, उस करंट के सेशन में लेकर के आज हाजिर हैं। आज के हम लोग 22 जुलाई के करंट को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ देखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन है ये आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में COVID-19 मृत्यु दर पहली बार में नीचे गिरी है, या पहली बार उसकी रेट में जो गिरावट आई है वो कितनी आई है, लगभग 2.5% की गिरावट आई है। क्या कहते हैं, भारत सरकार ने कहा कि ये जो COVID-19 का जो ये फैटेलिटी रेट है, मतलब ये जो मृत्यु दर है, ये लगभग 2.5% पहली बार हुई है, मतलब 2.5% कम हुई है पहली बार। और दुनिया में सबसे कम अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो वो हमारे देश, हमारे भारत में ही है। उसके बाद हमारा क्या कहता है, केंद्र सरकार की बात हो या फिर राज्य सरकार की बात हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश के जो सरकार है उनकी बात हो, है ना, या फिर उन सब लोगों ने मिल करके जो एक क्लिनिकल प्रयास उन्होंने किया है, ये जो मैनेजमेंट उन्होंने किया है ना, इनके इस जो प्रबंध था, मैनेजमेंट था, उनका एक काबिले तारीफ कमेंट था और उन्होंने एक बहुत ही काबिले तारीफ एसोसिएट भी उन्होंने किया। सभी लोगों ने मिलकर के काम किया जिसके कारण आज भारत में हमारे लगभग 4.49% की कमी आ पाई है COVID-19 के मृत्यु दर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जो रक्षा मंत्रालय है यानी कि MOD, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, इन निम्न में से किस कंपनी के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उन्होंने T-90 टैंक S/SK खरीदने के लिए और माइन प्लग खरीदने के लिए जिससे हम माइनिंग कर सके, तो वो है आपका भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इस कंपनी के साथ उन्होंने क्या किया है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। आखिरकार इस है क्या चीज़, ये जो टैंक है इसकी खासियत क्या है, तो ये जो विंग मिनिस्ट्री है, ये जो विंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसकी एक जो शाखा है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ और उन्होंने इस टैंक T-90S/SK को खरीदने की बात उन्होंने की है। वहीं पे इन्होंने बताया है कि इस टैंक को लगभग खरीदने में 557 करोड़ की लागत आने वाली है और लगभग 1512 माइन, है ना, माइन प्लग खरीदे जाएंगे। उसके अलावा T-90 टैंक्स भी कुछ लिए जाएंगे जो आपके रक्षा के लिए, प्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं, इसका साइन हुआ है BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग जाने तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इसका जो निर्माण हुआ था 1964 में हुआ था और ये मिनित्रा कैटेगरी 1 में आया करता है, पब्लिक सेक्टर में वर्क करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी वर्क किया करती है। ये जो कंपनी है ज़्यादातर ये हैवी इक्विपमेंट बनाया करती है जिसका इस्तेमाल हम लोग अर्थ मूविंग में या फिर ट्रांसपोर्टिंग में या फिर माइनिंग में हम लोग वर्क किया करते हैं। इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलोर में है और ये BHML या फिर BEML हैज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन कोलार गोल्ड फील्ड, बेंगलुरु एंड पलक्कड़ एंड मैसूर। और ये जो आपकी BEML लिमिटेड कंपनी है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपकी KGF यानी कोलार गोल्ड माइंस, बेंगलुरु एंड पलक्कड़ एंड मैसूर में भी है। ठीक है, देन बढ़ते हैं अपने आगे को अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि जुलाई 2020 में भारतीय नौसेना का जहाज निम्नलिखित में से किस एक्सरसाइज का संचालन किया गया है, मतलब कि इंडियन नेवल शिप कंडक्ट पासेज एक्सरसाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये 4 कंट्रीज़ के नाम दिए हैं, UAE, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो सही आंसर, राइट आंसर इज USA। USA के साथ उन्होंने संचालन करना प्रारंभ किया है। ठीक है, मतलब ये है क्या चीज़, समझते हैं बात को। कहता था इंडियन नेवी कंडक्टेड पासेक्स यानी पासिंग एक्सरसाइज विद द यूनाइटेड स्टेट नेवी USS निमिट्स, विच इज़ अ न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। मतलब ये भारतीय नौसेना ने जो USA है, USA की नौसेना के साथ उन्होंने परमाणु ऊर्जा संचालित जो विमान हैं आपके, उनके साथ एक एक्सरसाइज उन्होंने की है, युद्ध अभ्यास उन्होंने किया है। मतलब कि वो उन वेपन्स को उन्होंने चलाना सीखा है, उन एयरक्राफ्ट को चलाना सीखा है जिसमें परमाणु या न्यूक्लियर वेपन्स को हम स्टोर कर सकते हैं और उसको किस तरीके से हैंडल करना है युद्ध के दौरान, इस पे भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। भारतीय दिन कहता है द इंडियन नेवी शिप्स राणा एंड सहद्री, शिवालिक एंड कामरूटा ऑपरेटेड टुगेदर विथ द US निमिटेज,
यानी कि जो हमारे भारतीय नौसेना जहाज जैसे कि राणा ले लो, सहदारी ले लो, शिवलिक ले लो या कमोरटा ले लो, ये सब ये जो यूएसए के आपके सीवीएन 68 के साथ मिलकर के इन लोगों ने काम किया है। और ये जो काम इन्होंने शुरू किया है, ये काम आपका लगभग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास हुआ है। यहीं के पास ही क्या हुआ है, ये युद्ध अभ्यास या सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है और हो रहा है। ठीक है, यूएसए की अगर बात की गई, अमेरिका के साथ इन्होंने साझा किया है, तो यूएसए का ये देखिए आपके सामने आप मैप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। यूएसए है यूनाइटेड स्टेट्स, इसकी जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन डीसी है, ठीक है ना। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इस समय वो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, और वाइस प्रेसिडेंट का नाम माइक पेंस है, और यहाँ की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी है, एंड चीफ जस्टिस कौन है, जॉन रॉबर्ट है, और इसका जो लेजिस्लेचर कांग्रेस है, अपर हाउस सेनेट है, और लोअर हाउस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। और यहाँ की जो करेंसी है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डॉलर चलती है, यानी कि यूएस डॉलर चला करता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है क्या है कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर हरीश मरत कौर बिदैल वर्चुअली इनॉग्रेटेड द जोरम मेगा फूड पार्क, मतलब हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम फूडा मेग पार्क का उद्घाटन किया है। तो जोरम मेगा फूड का जो उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया, ये किस स्टेट में हुआ है, तो मिजोरम में हुआ है। थोड़ा सा मिजोरम के बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो मेगा फूड हुआ ये है क्या चीज़, क्यों किया गया है। तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल वर्चुअली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट मेगा फूड पार्क जोरम मेगा फूड पार्क इन मिजोरम, मतलब कि यहाँ के जो खाद्य प्रसारण मंत्री है हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम के पहले मेगा फूड पार्क और जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है ना, फूड मेगा फूड पार्क और जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। इट विल बेनिफिट फार्मर ग्रोवर प्रोसेसर कंज्यूमर एंड प्रूव टू बी अ बिग बूस्ट टू द ग्रोथ ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। और सबसे खास बात यह है कि इससे किसान, जितने भी किसान हैं, उत्पादक हैं, प्रोसेसर्स हैं, या फिर जो जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, इन सबको बहुत अच्छा या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। और जो आपका नॉर्थ ईस्ट सेक्टर है, यहाँ पर जो खाद्य का जो हो रहा है हिसाब किताब, जो खाद को लेकर के नॉर्थ रीजन में जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स हैं, उन सब में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत ही बड़ा विकास इसमें शामिल होगा। और मेगा फूड पार्क में क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है और लगभग 25,000 किसानों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से फ़ायदा होने वाला है। देन बढ़ते हैं दोस्तों आगे, तो जब मिजोरम की बात हुई है तो आप देख रहे हैं इंडिया का एक बहुत छोटा सा स्टेट है आपका ये मिजोरम, ठीक है, ये बहुत छोटा सा स्टेट है और ये पहले यूनियन टेरिटरी था मिजोरम आपका, जो लगभग 21 जनवरी 1972 में यूनियन टेरिटरी बना था, बाद में इसको 20 फरवरी 1987 में इसको एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। और इसकी जो राजधानी है वो आइजोल है और लगभग इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट 8 जिले हैं। और इसे गवर्नर कौन है, ना पीएस श्रीधरन पिल्लई है, और इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो जोराम थंगा है। और यहाँ पे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या 40 है, लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट भी इसमें 1 ही है। देन मिजोरम में थोड़ा सा और जानते हैं, तो मिजोरम में प्रमुख तरीके से 3 फेस्टिवल्स को हम लोग मनाया करते हैं, वो कौन सा है, ना चपचार कट, मेमम कट एंड पॉल कट। ये क्या है, मुख्यतः 3 फेस्टिवल है जो आपके मिजोरम में सर्वाधिक मनाया जाता है। और मिजोरम के कुछ डांस के बारे में भी अगर हम लोग देखें, तो पहला तो डांस इसका बहुत ज़्यादा फॉमस है वो है चेरियू। चेरियू क्या है, इसमें क्या है, ये एक तरीके का होल्डिंग बैम्बू डांस हुआ करता है, इसमें आदमी और औरत दोनों होते हैं। आदमी क्या करते हैं, इस बम्बू को ज़मीन पर रख करके इसे लंबा सा पकड़ लेते हैं और जो औरतें होती हैं इसी बम्बू के देखिए बीचों बीच रह करके क्या करती हैं, डांस किया करती हैं। वहीं कुल्लम क्या है, कुल्लम भी एक है जो मिक्स जेंडर डांस हुआ करता है, डेट ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड सक्सेसफुली, जो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से सब लोग एक साथ मिल करके डांस किया करते हैं। हंटिंग एंड सेविंग क्लोथ विथ सिंगिंग म्यूजिक, वो शिकार करते हैं, गाना गाते हैं, म्यूजिक बजाया करते हैं। उसके अलावा तीसरा आता है आपका चाय, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट डांस होता है जो आपका चपचार कुट नाम के त्यौहार पर ये डांस किया जाता है। फिर
यहाँ पे अगर हम मिज़ोरम के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पे पहला है आपका ब्लू माउंटेन, है ना, जिसको हम लोग पोनगोई नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है। दूसरा आपका है थिम्पा टाइगर रिजर्व है, वहीं पे क्या है लेंगटेंग वाइल्ड सेंचुरी भी है। आपके मिज़ोरम में मुरलेन नेशनल पार्क भी है, निगेनपुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एंड ख्वांगलुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। उसके अलावा थोरांग टलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये सब मिज़ोरम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पाई जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो कहता है क्या है, इंडियाज फर्स्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन, तो कहता है भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो उद्घाटन हुआ है ये आपके न्यू दिल्ली में हुआ है ईवी चार्जिंग में। ईवी चार्जिंग है क्या चीज़ समझते हैं, इंडियाज फर्स्ट ईवी यानी कि ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्टर फॉर द पावर न्यू रेन्यूएबल सोर्सेस आरके सिंह एंड चैम्फोल्ड क्लब इन न्यू दिल्ली। देखिए जो भारत के पहले सार्वजनिक ईवी वाहन यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन को पहले क्या था कि आप जो यूज़र्स थे उन जो ख़रीदते थे उसको अपने घरों में चार्ज करते थे, रास्ते में कहीं ख़त्म हो गई तो उसमें दिक्कत होती थी। तो इसलिए दिल्ली में क्या किया गया है, ईवी चार्जिंग प्लाजा भी ओपन किया गया है कि जो व्हीकल चार्जिंग वाले हैं उनको भी चार्ज, जैसे आपके बाकी गाड़ियों के लिए पेट्रोल पम्प और सीएनजी पम्प होते हैं, वैसे ही अब आपके चार्जिंग प्लाजा या चार्जिंग पम्प भी आपके स्टार्ट हो गए हैं न्यू दिल्ली में, जिस है ना जिसका जो ये शुरुआत या इनोग्रेशन किया ये आर के सिंह और चैम्फोल्ड क्लब के मेंबर्स ने मिलकर के किया था। फिर क्या है, द पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड फॉर द एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड यानी EESL इन कोलैबोरेशन विद न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू मेक ई मोबाइलिटी एंड यूबी इक्वोटर्स एंड कन्वेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या है कि भारत के जो पहले भारत में जो सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा है ये भारत में ई मोबाइलिटी को सबसे ज़्यादा देगा और सुविधाजनक बनाने के लिए नई दिल्ली के जो नगर पालिका परिषद है यानी NDMC है इसका सहयोग देने के लिए आपके एक लिमिटेड कंपनी EESL है, ठीक है ना, उसने दिया है जिसके द्वारा ये मिलकर किसके सहयोग के द्वारा ये स्थापित किया गया है। वही भारत का पहला सार्वजनिक अगर बात करें कि जो पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा है विल होस्ट 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर इन डिफरेंट स्पेसिफिकेशन एंड हेंस विल मेक ईवी चार्जिंग हैसल फ्री एंड कन्वीनिएंट फॉर द कंज्यूमर्स। मतलब ये भारत का जो पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा बनाया गया है ये विभिन्न प्रकार के 5 इलेक्ट्रॉनिक वाहन की चार्जेस की मेज़बानी करेगा, मतलब लगभग एक बार में 5 अलग अलग तरीके के चार्जिंग व्हीकल्स को ये चार्ज कर सकता है। इसलिए उपभोक्ताओं के लिए जो ईवी चार्जिंग है इसको परेशानी मुक्त और सुविधाजनक बना देगा ताकि किसी भी तरीके की कोई भी चार्जिंग व्हीकल होगी सब के सब एक साथ चार्ज किया जा सकेगा। अगर दिल्ली की बात की गई तो दिल्ली में देख रहे हैं दिल्ली बहुत छोटा सा, ये रहा आपका हमारे देश का कैपिटल है, कैपिटल स्टेट है या राज्यों कह लें कि राजधानी है हमारे देश की, ये मैप में इसका ये लोकेशन है और ये अभी यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी बनी थी ये 1956 में और इसको बाद में बनाया गया कि इसको NCT बना दिया गया यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया, जिसका जो बनाया गया वो 1 फरवरी 1992 में बनाया गया है और उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अनिल बैजल है और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं जो आप यानी आम आदमी पार्टी के हैं। वहीं पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है, मनीष सिसोदिया है। एंड लिटरेसी दर वहाँ पर अगर जाएँ वहाँ पर वो साक्षरता दर की बात करें तो लगभग 86.21% है और वहाँ पर सेक्स रेशियो देखिएगा मैन और वुमेन का तो लगभग 868:1000 पे है। देन आगे बढ़ते हैं, अगर दिल्ली में किलो की बात करें उसके आसपास की चीज़ों की बात करें तो देखिए वहाँ पर पहला है तुगलकाबाद किला है, रेड फोर्ट किला है वहाँ पे पुराना किला है, उसके अलावा फिरोज शाह कोटाला है और किला राय पिथौरा में है या फिर रेड फोर्ट, ये किला राय पिथौरा मेन फोर्ट भी हम लोग इसको बोला करते हैं, ये भी आपके दिल्ली में ही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़े, कहता है रिसेंटली सिक्किम हैज़ डिक्लेयर्ड अ वीक लॉन्ग लॉकडाउन, हु एमंग द फॉलोइंग इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ सिक्किम। मतलब हाल ही में सिक्किम ने एक सप्ताह के लॉकडाउन का ऐलान किया है तो निम्नलिखित में से सिक्किम के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो सिक्किम के जो वर्तमान गवर्नर है वो आपके हैं गंगा प्रसाद जी हैं सिक्किम के वर्तमान गवर्नर। अगर बात करें इसके बारे में थोड़ा सा तो सिक्किम गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर टू स्टेट वाइड लॉकडाउन फॉर 6 AM टुमारो
टू 6 AM 27 जुलाई इन व्यू ऑफ रिसेंट सर्ज ऑफ COVID-19 केसेस। मतलब जिस तरीके से COVID-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने सिक्किम की ये ऐलान कर दिया है, ये ऑर्डर दे दिया है कि आपका कल से लॉकडाउन या है ना सुबह 6 बजे से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा और ये लगभग 27 जुलाई 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस, शॉप, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, मार्केट एंड फैक्ट्रीज विल रिमेन क्लोज्ड एक्सेप्ट दोस्ट ग्रांटेड एक्सटेंशन। मतलब कि जहाँ जितने भी सरकारी ऑफिस है, दुकानें हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, मार्केट है, फैक्ट्री, सब कुछ बंद रहेगा, सिर्फ उनको छोड़ के जिनको परमिशन ग्रांट की गई है। देन बढ़ते हैं सिक्किम के बाद, देखें तो सिक्किम का ये देखिए, ये रहा मैप हमारे इंडिया के मैप में, ये छोटा सा, बहुत छोटा सा ये स्टेट है सिक्किम, ठीक है, जो इसको स्टेट बनाया गया था लगभग 16 मई 1975 में बनाया गया था। इसकी जो कैपिटल है गैंगटोक है, इसमें कुल 4 जिले हैं। और अगर इसे गवर्नर की बात करें तो इसे गवर्नर का नाम गंगा प्रसाद है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रेम सिंह तमंग है। और यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सदस्य हैं वो कुल 32 हैं। लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 और 1 है। वहीं पे यहाँ के अगर सिक्किम के नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे 4 प्रमुख नेशनल पार्क पाए जाते हैं। एक है कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिंगभा रोडेंड्रॉन सेंचुरी एंड वर्से रोडेंड्रॉन सेंचुरी एंड मीनाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। फिर सिक्किम की अगर रिसेंट न्यूज़ के बारे में अगर हम लोग देखें तो ट्रूप्स ऑफ इंडिया एंड चाइना वर इन्वॉल्व्ड इन द फ्लर्स फेस ऑफ नियर नाकालू पास इन द सिक्किम सेक्टर इन द सीनो इंडिया बॉर्डर। जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है जिसको सीनो इंडिया बॉर्डर बोलते हैं, वहाँ पे इंडिया और चाइना के जो सैनिक हैं वो फिर से फेस ऑफ हुए थे, वहाँ पे नाकुला पास है, वहाँ पास नाकुला दर्रा के पास है। वहीं सिक्किम गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू होस्ट द कैलाश मानसरोवर यात्रा वाया नाथुला पास इन द स्टेट ऑफ तिब्बतन एटोनोमस रीजन ऑफ चाइना शेड्यूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ड्यू टू COVID-19। और सिक्किम गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसको नाथुला दर्रे से या नाथुला पास से नहीं कराई जाएगी, क्योंकि ये जो ये और जो इसको वर्तमान के लिए रोक दिया गया है, बोला गया ये अगले महीने से किया जाएगा दोस्तों। और ये लगभग COVID-19 के कारण हुआ है। और ये जो अगले महीना जो उम्मीद जताई जा रही है आपकी कैलाश मानसरोवर यात्रा की, जो नाथुला पास से थी है ना, वो ऐसा उम्मीद कम है कि अगले महीने शुरू हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से COVID-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो कहता है रिसेंटली लालजी टंडन पास अवे, ही वॉज सर्विंग एज द गवर्नर ऑफ। अभी क्या हुआ है, हाल ही में लालजी टंडन जिनका निधन हो गया है वो किस देश के गवर्नर थे, तो वो थे आपके मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। थोड़ा सा जान लेते हैं, लाल जो आप देख रहे हैं लालजी टंडन, ये रही लालजी टंडन की तस्वीर जो अभी रिसेंटली एक्सपायर कर गए हैं। मध्य प्रदेश गवर्नर लालजी टंडन पास अवे ड्यू टू द है ना प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, मतलब वो लंबी बीमारी से ग्रस्त थे और लंबी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण अभी हाल ही में वो पास हो गए हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। टंडन वॉज फर्स्ट एडमिटेड टू लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल इन जून 11 फॉलोइंग कंप्लेंट्स ऑफ फीवर एंड डिफिकल्टी ऑफ यूरिनेशन। टंडन को शुरू में लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लगभग उनमें 11 कमियां बताई गई थी, 11 शिकायतें बताई गई थी बीमारी की और बहुत सारी यूरिनेशन प्रॉब्लम बताई गई थी, मतलब कि वो बहुत लंबी बीमारी थी। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ मध्य प्रदेश एडमिट टंडन इलनेस। और जो टंडन की बीमारी के बीच जो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल थे आनंदीबेन पटेल, इनको मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था, मतलब भारत के तो वो कार्यभार संभाल ही रही थी, सॉरी उत्तर प्रदेश का तो कार्यभार संभाल ही रही थी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का भी संभाल रही थी। भारत के नक्शे में मध्य प्रदेश ये रहा है ना, ये काफ़ी बड़ा स्टेट है और यहाँ पे इसको स्टेट का दर्जा लगभग 26 जनवरी 1950 में दिया गया था। इसकी राजधानी जो है भोपाल है और कुल जिलों की संख्या 52 है। और यहाँ के जो गवर्नर थे वो लालजी टंडन थे जो अभी एक्सपायर कर गए। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शिवराज चौहान है। और यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सदस्यों की संख्या वो लगभग 230 है। लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। देन यहाँ के अगर हम लोग फेस्टिवल्स या मेलों की बात करें अगर मध्य प्रदेश में,
तो पहला है सिंहस्थ, ये क्या है, ये कुंभ लगता है, एक तरीके का कुंभ हुआ करता है जो आपके उज्जैन में लगा करता है, उज्जैन में लगने वाले कुंभ को हम लोग सिंहस्थ बोला करते हैं। फिर आता है अलामी, है ना, तबलीगी जमात या फिर इजातिमा बोलते हैं, ये 3 दिन का एक कांग्रेस हुआ करता है, कंसिडर्ड एमंग द मोस्ट फॉलोइंग रिलीजियस ओकेशन सेलिब्रेटेड इन भोपाल, ये एक तरीके का त्यौहार, धार्मिक त्यौहार है जो भोपाल में 3 दिन के लिए मनाया जाता है। फिर आता है फेयर ऑफ पिरबुधन, यानी कि पिरबुधन का मेला, ये जो मेला होता है ये हेल्ड होता है इन सनवारा ऑफ शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के सनवारा में ये मेला लगा करता है। लगभग ये टॉम्ब ऑफ मुस्लिम संत पिरबुधन, ये किसके पास है, जो मुस्लिम संत थे पिरबुधन उनके मकबरे के पास ये है और वहाँ पास ही मेला लगता है। फिर नेक्स्ट मेला हमारा देखते हैं, तो कहता है जगदीश्वरी देवी का जो मेला वहाँ पे लगता है, ये भी प्रमुख आपका मेला है, ये दिस फेयर इज़ हेल्ड इन चंदेरी ऑफ गुना डिस्ट्रिक्ट सेंस टाइम इमोरियल, है ना, ये जो मेला लग रहा है ये चंदेरी में लग रहा है जो गुना जिला में है, और यहाँ के लोकरंग फेस्टिवल की बात करें तो ये भोपाल में मनाया जाता है। अखिल भारतीय कालिदास समारोह भी होता है जो आपके उज्जैन में होता है, वहीं खजुराहो फेस्टिवल मनाया जाता है आपके खजुराहो में, जहाँ पे अजंता और अलोरा की गुफाएँ भी मिलती है, और भगोरिया हार्ट फेस्टिवल भी यहाँ पर होता है, वेस्ट निमार में हुआ करता है या झाबुआ में हुआ करता है, और मालवा उत्सव भी यहाँ पर हुआ करता जो आपके इंदौर और उज्जैन में आपके मनाए जाते हैं। फिर यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश के डांस की बात करें तो वहाँ पे गिरदा डांस बहुत पॉपुलर है, मांच बहुत पॉपुलर है, मटकी डांस बहुत पॉपुलर है, और फूल पत्ती डांस भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर है। मध्य प्रदेश की अगर रिसेंट न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो कहता क्या है, इन अ बूस्ट ऑफ फ्लैगिंग डोमेस्टिक स्मॉल आर्म्स इंडस्ट्री 2 लेटेस्ट इसराइल असॉल्ट राइफल द अरद एंड द कैमरनल आर सेट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। वहाँ पे क्या था, डोमेस्टिक स्मॉल आर्म इंडस्ट्रीज जितनी भी है, जितने भी हथियार बनाने वाली जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है, उन सबको क्या किया गया, जो 2 लेटेस्ट इसराइल की असॉल्ट राइफल है, द कौन कौन सी, अरद और कैरमल, इसको मैन्युफैक्चर इसको बनाने का टेंडर यहाँ पे दिया गया है, ताकि इस ये जो आपके जो आर्म इंडस्ट्री है इनमें बढ़ावा मिल सके। ये जो असॉल्ट वेपन होता है आर टू बी प्रोड्यूस्ड अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन मध्य प्रदेश, और ये जो असॉल्ट राइफल बन रहा है ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बन रहा है मध्य प्रदेश में, जहां पे वेयर अ प्लांट हैज बीन सेटअप इन 2017 बाय इसराइल वेपन सिस्टम इन अ ज्वाइंट वेंचर कॉल्ड PLR सिस्टम, है ना। और ये जो आपका असॉल्ट राइफल बनाने का या असॉल्ट वेपन्स बनाने का जो काम चल रहा है ये किसके सहायता से चल रहा है, तो इसराइल वेपन सिस्टम यानी कि IWI के ज्वाइंट वेंचर से हो रहा है, जिसको हम लोग PLR सिस्टम भी बोला करते हैं। मध्य प्रदेश विल नाउ रन आर रोको टोको मीन्स स्टॉप ऑफ कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वियर मास्क, है ना। और मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में एक बहुत ही बेहतरीन सा कैंपेन चलाया, इसको हम लोग रोको टोको बोलते हैं, ये उन लोगों के लिए कैंपेन है जो मास्क को नहीं पहना करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में लगभग 24,000 से भी ज़्यादा जो माइग्रेंट लेबर थे, है ना, उन सबको परमानेंट एम्प्लॉय दिया गया, उनको एक परमानेंट रोजगार दिया गया, इसको रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से। वहीं मध्य प्रदेश में ऑर्डर टू अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द टूरिस्ट प्लेस इन द स्टेट ऑफ इंतज़ार, आपका कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वहीं मध्य प्रदेश में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कैंपेन शुरू किया गया, जिसका नाम है इंतज़ार आपका। इस कैंपेन को बनाने के पीछे मकसद ये है कि जो मध्य प्रदेश में जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल हैज़ गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ लालजी टंडन। अभी लालजी टंडन के जो निधन के बाद से जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उनको अलग से चार्ज दिया गया, उनको मध्य प्रदेश का भी गवर्नर बनाया गया है। देन नेक्स्ट है आपका T20 मेंस वर्ल्ड कप दैट शेड्यूल टू बी प्लेड इन अक्टूबर नवंबर 2020 हैज बीन फॉर्मली बीन पोस्टपोन टू 2020 एंड 22 ड्यू टू COVID-19। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज द होस्ट फॉर दिस टूर्नामेंट, मतलब ये अक्टूबर नवंबर 2020 में खेला जाने वाला जो T20 जो आपका ये जो मैच था पुरुष वर्ल्ड कप था, है ना, इसको COVID-19 के कारण 2022 तक क्या कर दिया गया, इसको स्थगित कर दिया गया है। तो वो जो टूर्नामेंट होने वाला था वो किस देश में होने वाला था, तो ये जो टूर्नामेंट होने वाला था T20 मेंस वर्ल्ड कप का, ये आप
किस ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। क्या है ये चीज़? इंटरनेशनल आईसीसी यानी कि क्रिकेट काउंसिल अनाउंस द T20 मेंस वर्ल्ड कप शेड्यूल टू बी प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया इन अक्टूबर नवंबर 2020 हैज़ बीन पोस्टपोन ड्यू टू 2022 ड्यू टू कोविड-19। मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी है, इन्होंने घोषणा किया है कि जो पुरुषों का विश्व कप T20 विश्व कप होने वाला है 2020 में अक्टूबर नवंबर में, उसको आगे रोक दिया गया है, औपचारिक तरीके से इसको स्थगित कर दिया गया है 2022 तक के लिए। ठीक है, ये देखिए T20 वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी है जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि 3-day लॉन्ग एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इज टेकिंग प्लेस इन, यानी 3-दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन हो रहा है। कहाँ हो रहा है आपका? ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये 3-दिवसीय जो वायुसेना कमांडरों का जो सम्मेलन हो रहा है वो नई दिल्ली में जो वायुसेना का मुख्यालय है वहाँ पे होता है। और इस सम्मेलन का जो विषय है इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड, इसका जो थीम रखा गया है इस कॉन्सेप्ट इस कॉन्फ्रेंस का वो क्या है? इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। फिर बढ़ते हैं दोस्तों अपना आगे की तरफ। तो कहता है हाल ही में कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन का मानव परिष्कृत जो दिल्ली एम्स में हुआ है या एम्स दिल्ली में हुआ है ना, इसको किस कंट्री में डेवलप किया गया है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है डेवलप कोवैक्सीन, किसने डेवलप किया है? तो ये डेवलप करने वाले थे आपको भारत बायोटेक कंपनी थे, और ये हमारे देश में ही हमारे इंडिया में ही डेवलप किया गया है। और इसका ह्यूमन ट्रायल भी स्टार्ट शुरू हो गया है, और इसको शुरू कर ह्यूमन ट्रायल जो शुरू करने वाला था वो न्यू दिल्ली एम्स ने शुरू किया है। ठीक है, कहता क्या है? भारत पहले स्वदेशी कोविड-19 कोवैक्सीन को मानव जो परीक्षण था उसको उन्होंने शुरू कर दिया, ह्यूमन ट्रायल्स को उन्होंने शुरू कर दिया है। और दुनिया में सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादकों में से ये एक वैक्सीन है। ठीक है ना, ये जो वैश्विक स्तर पे जो वर्ल्ड वाइड ये जो महामारी पैंडमिक फैला हुआ है, इसकी वजह से क्या हुआ, महीनों के भीतर कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने की उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है जो उतनी जल्दी ये डेवलप कर दिया जाए। ठीक है ना, और कोवैक्सीन विच हैज़ बीन डेवलप बाई भारत बायोटेक इन कोलेबोरेशन विथ ICMR एंड NIV पुणे। और ये जो भारत बायोटेक ने जो कोवैक्सीन डेवलप किया है, इसको डेवलप करने के पीछे जो कोलैबोरेशन था वो ICMR और NIV पुणे ने मिल करके किया है। देन बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। कोवैक्सीन है क्या चीज़? तो कोवैक्सीन भारत की एक कोविड-19 की वैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने डेवलप किया है ICMR और NIV की माध्यम से। वहीं अगर इसकी इंडिजीनियस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड भारत बायोटेक BSL-3 बायोसेफ्टी Level-3 हाई कंटेमिनेटेड फैसिलिटी। मतलब क्या है कि ये जो वैक्सीन बनाया जा रहा है इसको डेवलप करने के पीछे इसको बायोसेफ्टी यानी कि Level-3 तक इसको रखा जा रहा है। और ये जो वैक्सीन है इसको अप्रूव पहले Phase-1 और Phase-2 में क्या कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया है। अब Phase-3 आता है यानी कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो किए जाने शुरू हो गए हैं। और ये जो ट्रायल्स है ये आपके जुलाई 2020 से स्टार्ट हो चुका है। ह्यूमन ट्रायल से पास होने के बाद ये वैक्सीन मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट कहता है क्या है कि भारत से 4 और P8I मल्टी मशीन, देखो समझिए, इंडिया विल स्ट्रेंथन द मैरीन कैपेबिलिटीज बाय इंक्लूडिंग 4 मोर P8I मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट फ्रॉम, जो भारत ने अपनी क्षमता अपनी मजबूती को मैरीन्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो एयरक्राफ्ट उन्होंने P8I जो मंगाया है वो किस कंपनी से मंगाया है, वो है आपके USA से मंगाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैलॉन डी और विल नॉट बी अवार्डेड दिस ईयर कोविड-19 पेंडेमिक। तो जो ये आपका बैलॉन डी का जो अवार्ड था जो सम्मान था इस बार नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि कोविड-19 जो इतना ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये जो बैलॉन डी अवार्ड है ये किससे संबंधित है? तो ये आपके फुटबॉल मैच से संबंधित है बैलॉन डी।
इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि COVID-19 की जो महामारी फैली हुई है इसमें एक प्रॉपर सिचुएशन नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर कंडीशन नहीं मिल पा रही है ना, इस क्योंकि इसी वजह से ही ये आपका जो बेलॉन डी पुरस्कार सम्मेलन है इसको स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बीमारी फैल रही है और ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि ये जो बेलॉन डी अवार्ड है इसको इस बार क्या किया गया है, पोस्टपोन किया गया है या इसको रोक दिया गया है, ये इसके इतिहास में पहली बार हुआ है। और इसका ये जो अवार्ड है, अवार्ड की ये जो तस्वीर है अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। फिर कहता क्या है, निम्नलिखित में से जो सूरज कदे मरता नहीं, सूरज कदे मरता नहीं, इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, तो वो है बलदेव सिंह सदकनामा। ठीक है दोस्तों, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बलदेव सिंह जी की फ़ोटो है, आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर आपका क्या है, सिद्धार्थ, पहले राष्ट्रपति सचिवालय यानी कि जो सिद्धार्थ हैं है ना, पी प्रवीण सिद्धार्थ है, इनको नियुक्त किया गया है नया निजी सचिव के तौर पे। और ये सिद्धार्थ जो है पहले ही राष्ट्रपति सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी OST के अधिकारी के रूप में सेवारत थे, जब विक्रम सिंह की जगह लेंगे, और अभी ने शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव का नियुक्त किया गया है। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, तो हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया? तो वही MP में हो गया है, 11 जून को इनका लखनऊ में इलाज चल रहा था, लंबी बीमारी के कारण इनका निधन हो गया। इलाज के दौरान क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है, इनको ही मध्य प्रदेश का राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था, जो मैं आपको बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो है वो लगभग 7.33 करोड़ है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2012। इसकी राजधानी भोपाल है और चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ के शिवराज चौहान है। और वहाँ के जो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं, नेशनल पार्क के बारे में अगर हम लोग जाने तो पहला है कान्हा नेशनल पार्क, उसके बाद भागवगढ़ नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, संजन नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, पंच नेशनल पार्क है और मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क भी है। सूरज कदे मरदा नहीं, अभी आपको हम बता चुके हैं पहले ही कि इसके जो लेखक है वो बलदेव सिंह सदकर्णम है। उसके बाद ICC T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए स्थगित किया गया है, तो वही 2022 तक के लिए स्थगित किया गया था, आप जान बता चुका हूँ। और यही जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, ये भी बता चुका हूँ। तो ये उद्घाटन किया उन्होंने मिजोरम में। उसके बाद देन नेक्स्ट हमारा आता है, हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए मनोदर्पण का पहला शुभारंभ किया है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मनोदर्पण का लॉन्च किया है। मनोदर्पण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह पहले COVID-19 के दौरान और उसके बाद छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों की दोस्तों एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगी। देन आगे बढ़ते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अरे आज के लिए इतना ही काफ़ी था दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, आज का पूरा हो चुका है ये सेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये करंट सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें IQMentor को। हम ऐसे ही डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहते हैं। उसके अलावा आपका GS और GK का क्रैश कोर्स भी लाने जा रहे हैं, NCERT का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके अलावा हम CTET को हम पढ़ा ही रहे हैं, CTET के प्रैक्टिस सेशन को भी हम स्टार्ट कर दिए हैं आपके। CTET के अलावा KVS है, DSSSB है, DSSSB है, उसके अलावा आपके जो सुपर टेट हो रहे हैं सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ाम्स के अलावा हम लोग SSC को, बैंक को, रेलवेज को, इन सभी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल साथ जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।